साथियों नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। एंटी करप्शन में जब किसी व्यक्ति की सर्विसेज को अफेक्ट किया जाता है या उसे निलंबित किया जाता है तो यूजुअली अक्यूज क्या करता है कि डायरेक्टली हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट जाकर एक रिट पिटीशन फाइल करता है। ये रिट पिटीशन आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फाइल की जाती है और ये कहा जाता है कि हमारे साथ जो है वो गलत हुआ है, हमें गलत तरीके से निलंबित किया गया है और हमारे निलंबन का आदेश को सेट असाइड करके हमें बहाल किया जाए। क्लियर है? ये तो है एक जनरल प्रोटोकॉल जो हमेशा लिया जाता है। इसका नुकसान क्या है कि जब आप डायरेक्टली हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो हाईकोर्ट आपसे एक बात ही पूछती है कि आप कंसर्न अथॉरिटी या उसकी अपील अथॉरिटी के पास गए क्या, और यदि गए तो उसका प्रमाण क्या है। तो यूजुअली क्या होता है कि आप लोग जब मना करते हो तो ये पिटीशन अक्सर खारिज हो जाती है या आपको एडवाइस किया जाता है कि आप इन अथॉरिटी के पास में जाएं और ये अथॉरिटी या इसका डिस्पोजल जो है 60 दिन या 90 दिन में करें। प्राइमरी की क्या है कि हमने बेस लेवल को छोड़ ही दिया। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल की, सबसे पहले हमें प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर सीधे सेकेंडरी में जाना पड़ता है। तो वैसे ही यदि आप कोर्ट केस को लड़ रहे हैं और खासकर सर्विस मैटर को जो कि एंटी करप्शन के केस की वजह से अफेक्ट हुआ है, तो वहां पर आपको सबसे पहले जो आपका कंसर्न्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वहां पर जाकर अपना मेमोरेंडम या ज्ञापन जो है देना है। इसमें सारे पॉइंट्स को जो है स्पेसिफिक करना है और स्पेसिफिक करते हुए ये भी अर्ज करना है कि किस तरह से आप क्राइम में इम्प्लीकेट नहीं है और किस तरह से आप गलत फंसा कर आपको गलत रूप से जो है निलंबित किया गया है या करवाया गया है। इस संबंध में नियम 22 सीसीए रूल्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पर इनको हम जो है अवॉइड कर देते हैं और सीधा हाईकोर्ट की तरफ जो है रुख करते हैं। साथियों एक ऐसा ही मैटर था हमारे कंपनी के पास में जहां हमने इस मैटर पे जो है डील आउट किया और खासकर जोड़ दिया नियम 22 पे सीसीए रूल्स के ऊपर। इसमें प्रॉपर ज्ञापन जो है दिया गया और ज्ञापन देने के बाद गवर्नमेंट की रिव्यू कमेटी, राज्य सरकार की रिव्यू कमेटी जो है बैठी और उसने जो कंसेंट ऑर्डर था निलंबित करने का उसको सेट असाइड किया। साथियों यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था कि जो अक्यूज था उसके विरुद्ध सेक्शन 7 PC Act के जो है आरोप थे। इसके द्वारा केवल डिमांड का जो है कार्य किया गया, पर इसने जो है अपने आप को सरेंडर नहीं करा, कागजी कार्रवाई करते हुए हमेशा ही ACD से कनेक्शन बनाए रखा। इसके बाद इसके द्वारा एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई जिसमें 7 दिन के लिए नो अरेस्ट के ऑर्डर करते हुए इसको ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन के जो है ऑर्डर दिए गए और उसके बाद सेम डे उदयपुर कोर्ट से इस अक्यूज की जो है बेल हो गई और अल्टीमेटली इसके द्वारा एक ज्ञापन इसी रोशनी में दिया गया कि मेरे द्वारा कोई क्राइम नहीं किया गया है, ना ही मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, ना ही मेरी कोई डिमांड है और ना ही मेरे द्वारा कोई ऐसा क्राइम किया गया है कि मुझे ACB इस क्राइम के साथ डायरेक्टली जो है वो लिंक कर ले। तो इन सब बातों संतुष्ट होते हुए गवर्नमेंट ने थ्रू रिव्यू कमेटी इस पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए इनको जो है बहाल किया है और निलंबन आदेश को जो है वो सेट असाइड किया है। तो कहने की बात ये कि जब आप कभी इस तरह के मामले में फंसते हैं तो डायरेक्टली हाईकोर्ट जाने की बजाय इस प्रोसीजर को जो है फॉलो करें ताकि इफेक्टिवली आप अपनी बात को जो है रख सकें। अगर ये कंसिडर नहीं करते हैं फिर आप जो है हाईकोर्ट जाएं, पर सीधे आप जाएंगे तो या तो पिटीशन खारिज होगी या आपको एडवाइस दिया जाएगा कि आप जो है बिफोर अथॉरिटी जाकर अपना ज्ञापन जो है सौंपें। तो अपना समय अपना पैसा बर्बाद ना करें, एक सिंपल रास्ता है उसको अडॉप्ट करें और एक एफिशिएंट रिजल्ट जो है आप ऑब्टेन कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।